एग्जाम्पल नंबर 40, रुंगेकुटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज यूज टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन। इट इज करेक्ट एक्चुअली, बिकॉज हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं रुंगेकुटा मेथड से। देन सेकंड देखते हैं, साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन कैन बी सॉल्व। यस, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली साइमल्टेनियस इक्वेशन को। और सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड इनिशियल कंडीशन, ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब रुंगेकुट्टा मेथड से हम ये तीनों सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1, 2, 3। ओके, ऑल थ्री आर करेक्ट हियर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देन इट इज 41, लिमिटेशन ऑफ पिकार्ड्स मेथड इज एन आर। अब कौन से देखते हैं हम, पहला वाला, इट कैन बी अप्लाइड टू द लिमिटेड क्लास ऑफ द इक्वेशन इन विच द सक्सेसिव इंटीग्रेशन कैन बी परफॉर्म इजिली। यस इट इज ट्रू, अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला वाला तो ट्रू है। दूसरा वाला बोल रहा है द मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो रुंगेकुट्टा मेथड है और पिकार्ड्स मेथड है उससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 42 बोल रहा है टेलर सीरीज मेथड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब कौन सा करेक्ट है ये देखना है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मिलता है टेलर सीरीज से, बिकॉज हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ट्रंकेट कर देते हैं सीरीज को, तो वहां पे वो ट्रंकेट अगर होती है तो उससे हमको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है। और हमको यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी मिलता है। कभी कभी हमारा जो फंक्शन है वो थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री तक ही हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, बाकी हम सामने में नहीं एक्सपांड कर सकते। इन जनरल हम उसको nth डिग्री भी बोल सकते हैं, तब हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी मिलता है टेलर सीरीज से। तो ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेट भी मिलेगा और एग्जैक्ट भी मिलेगा। 43, इन यूलर्स मेथड द कर्व ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटेड बाय। यूलर्स मेथड में कर्व ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट करते हैं टेंजेंट इन ईच इंटरवल, इसको आप याद रखिए, ठीक है। मतलब ये ज्योमेट्रिकली होता है जिसमें हम टेंजेंट इन ईच इंटरवल को अप्रोक्सीमेट करते हैं कर्व ऑफ सॉल्यूशन से। देन 44, विच ऑफ द मेथड इज नोन एज द प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, मिलनेस मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, टेलर सीरीज मेथड। तो देखिए मिलनेस मेथड को हम कहते हैं प्रेडिक्टर करेक्टर, ओके ऑलरेडी हमको पता है। यूलर्स में भी हम प्रेडिक्टर करेक्टर लगाते हैं, बिकॉज यूलर्स मेथड जो होती है वो प्रेडिक्ट करती है आंसर को, बाद में हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। और टेलर सीरीज मेथड तो सीरीज मेथड है, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज व्हाट करेक्ट है, दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट। एग्जांपल नंबर 45, दैट इज रुंगेकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज अप्लाइड टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने सॉल्व किए होंगे एग्जाम्पल तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हम लीनियर को भी अप्लाई करते हैं और नॉन लीनियर को भी अप्लाई करते हैं। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड 4 प्रायर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई एट xi+1। 4 प्रायर वैल्यू आपको पहले ही पता होनी चाहिए तब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एकदम फेमस मेथड है, दैट इज व्हाट मिलनेस मेथड। ओके, उसमें हमको 4 प्रायर वैल्यू पता रहती है तभी हम y4 निकालते हैं। देखिए y1 y2 y3 और y0 हमको पता रहता है तब हम फिर y4 निकालते हैं उसके अंदर। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट है। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 1+xz एंड dz/dx = -xy विद द स्टेप साइज h = 0.3 द वैल्यू ऑफ k1 एंड l1 यूजिंग द रुंगेकुट्टा मेथड ऑफ इट इज व्हाट फोर्थ ऑर्डर, वो हमको यहाँ पे यूज करना है। तो एकदम सिंपल है, देखिए फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। k1 का फॉर्मूला होता है इट इज h(x0, y0, z0) और l1 का फॉर्मूला दैट इज व्हाट h(g(x0, y0, z0)। अब f क्या लेते हैं हम, ये वाला जो पहला इक्वेशन है ये मेरा f हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी, ये मेरी f होगी, ये मेरी g होगी। ओके, यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दी है। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दी है जनरली हम ये लेते हैं y(0) = 1 and z(0) = 1। तो यहां से आपको देखिए x0 का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट 0, यहां से भी आप x0 = 0 ही डिफाइन करेंगे और y0 आ जाएगा इट इज व्हाट 1 और z0 आ जाएगा इट इज व्हाट 1। ये वैल्यू अगर हमको नहीं दिए तो हम जनरली यही यूज करते हैं, यही इनिशियल कंडीशन में हमेशा यूज होती है। और यहाँ पे वैसे देना चाहिए था ये इनिशियल कंडीशन। अब देखिए हम इसको यूज करते हैं तो मुझे बताइए क्या आएगा आंसर। एच आपको दिया हुआ इट इज ऑलरेडी 0.3, अगर आपने x0 पुट अप किया इट इज 0, y0 कितना पुट अप किया आपने इट इज 1 पुट अप किया और z0 कितना हो जाएगा इट इज व्हाट 1। और यहां पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं इट इज 0.3। f हमारा 1+xz है तो 1+xz मतलब 1+ इट इज व्हाट 0 × z, z इज व्हाट 1, तो आ जाएगा इट इज व्हाट 0.3। तो k1 का वैल्यू तो मेरा 0.3 आ रहा है। अब हम निकालते हैं l1 का वैल्यू। l1 में भी h आपने 0.3 पुट अप कर दिया,
एक्स जीरो आपको पता है जीरो है और वाई जीरो वन है और जेड जीरो भी वन है, यहाँ पे जगह इट इज पॉइंट थ्री। अब फंक्शन जी क्या है, माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई मतलब माइनस जीरो इंटू इट इज वॉट वाई, तो वाई कितना हो जाएगा इट इज वॉट जीरो, तो जीरो इंटू पॉइंट थ्री अगेन इट इज वॉट जीरो, तो एल वन मेरा हो जाएगा इट इज वॉट जीरो, तो के वन इज पॉइंट थ्री एल वन इज जीरो, तो ये कहाँ पे बताइए ऑप्शन बी में, यहाँ पे ये है। देयरफॉर वी सेड ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो जब भी अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दे दी तो आपको ये लेना है, ठीक है, बट मोस्टली देना चाहिए इनिशियल कंडीशन एग्जाम्पल में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, टेलर सीरीज तो सीरीज मेथड है हमारे पास, पिकार्ड्स भी हमारा इंटीग्रेशन वाला मेथड है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। एडम्स बेस्ट फोर्थ ये मेथड हमारा एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे हम यूलर्स वाला मेथड अप्लाई करते हैं ना और मिलने स्पेक्टर करेक्टर वाला, तो उस टाइप में एडम्स बेस्ट फोर्थ भी रहता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट 49, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई वन दैट इज वाई वन ऑफ वन यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फॉर द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर एक्स इक्वल टू पॉइंट वन गिवन वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन एच इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव वाई वन इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव। तो y1 आपको बाय यूलर्स मेथड दिया हुआ है और आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से आपको आंसर निकालना है, तो आपको ये y1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट y0 प्लस h इट इज f ऑफ x0 कॉमा y0 ये आएगा और दूसरा टर्म रहेगा इट इज व्हाट f ऑफ x1 और y1। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है अगर आपको पता होगा, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज डालते जानी है। तो y0 क्या हो जाएगा, y0 यहाँ पे 1 रहेगा, आप इजीली बता सकते हैं। h आपको दिया हुआ है क्या, यस h भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.05, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद f ऑफ x0 y0, x0 y0 मतलब 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 1। f ऑफ x1 y1, x1 मतलब x0 प्लस h, h दिया हुआ है आपको 0.05, x0 है 0 तो आ जाएगा 0.05 यहाँ पे, और y1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.05, ये हो जाएगा 1 लिखते थे हम इसको 05। अब इसको आप इवेल्युएट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, देखो फंक्शन हम लेते हैं आरएचएस पार्ट ऑफ द इक्वेशन मतलब एक्स प्लस वाई, तो अगर मैंने इसको एक्स प्लस वाई लिया तो ये 0.1 है, मतलब यह जगह 0+1 यहाँ पे, और उसके बाद फिर प्लस अगेन 0 एक्स प्लस वाई लेना है हमको, तो यहाँ पे एक्स मेरा 0.05 है और ये 1.05, तो इसको आप इजीली इवैल्यूएट कर लेंगे तो आपको वाई वन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाई वन ऑफ वन मतलब पहला इटरेशन रहेगा, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो वाई वन का वैल्यू आया फिर हम उसको दोबारा रिप्लेस करेंगे किससे, ये वाई वन से, ओके okay, मतलब यहाँ पे 1.05 से रिप्लेस कर देंगे 1.05 से जो भी आएगा। तो इसको कब तक करना है, जब तक आपके दो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज इक्वल नहीं आते तब तक आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको आने वाला है बी, दैट इज 1.0525, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ना ये आ गया मेरा वाई वन ऑफ वन, तो हमें यहाँ पे वाई वन ऑफ वन ही पूछा है। अगर हमें यहाँ पे सोल्यूशन पूछा रहता तो हम क्या करते थे, ये जो वाई है यहाँ पे वाई को रिप्लेस कर देते वाई वन ऑफ वन से और इसी स्टेप को दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं। कब तक रिपीट कर देते हैं, जब तक दो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू वाई की इक्वल नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए वाई वन ऑफ वन ही पूछा हुआ है, दैट इज सिंपल, तो वाई वन ऑफ वन हमारा आ जाएगा इट इज ऑप्शन बी यहाँ पे, दैट इज 1.0525। इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट 58, मैच द फॉलोइंग न्यूटन्स एब्सेंट मेथड। तो न्यूटन्स एब्सेंट मेथड हम किसकी चीज के लिए यूज करते हैं बताइए, इसको हम यूज करते हैं फॉर द रूट फाइंडिंग ऑफ अल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। रुंगे कुट्टा मेथड का हम यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। देन गॉस सीडल को हम यूज करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो ये आ गया हमारे पास। और बचा हुआ फिर सिम्पसन्स रूल जिसको हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का वैल्यू हम निकालते हैं सिम्पसन्स रूल से। सिम्पसन्स के दो रूल होते हैं, एक 1/3 होता है, एक 3/8 होता है जो फेमस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा। ओके, बी में देखो ए मैप कर रहा है 2 को, कर रहा है क्या, देखिए ए 2 को मैप कर रहा है, देन बी 3 को मैप करना चाहिए, बी हमारा 3 को मैप कर रहा है, देन सी 4 को मैप करना चाहिए, सी 4 को मैप कर रहा है, और डी हमारा 1 को मैप करना चाहिए। सो देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होता है ये 50 क्वेश्चन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द न्यूमेरिकल मेथड के अंदर। ऐसे ही 50 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ अल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां भी 50 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ऐसे मैंने टोटल 100 क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे समक करके मैंने आपको एक शॉर्ट से वीडियो में बताया हुआ है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर कीजिए, ये आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपके गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करिए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड फाइनली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज
एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। आपको मैंने यहाँ पर रिलेवेंट वीडियोज की लिंक दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं।